कोरोना महामारी के बाद देश में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रामक बीमारियों में कैंसर के बाद सबसे अधिक मौतें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से ही हुई हैं। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कोविड के दौरान खराब लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतों की वजह से दिल की बीमारियों के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कोविड की वजह से हार्ट की आर्ट रिज में ब्लड क्लॉट हुआ है, जिससे हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ता है। अब कम उम्र में ही दिल का दौरा भी पड़ने लग रहा है और यही इसकी वजह भी है। इससे मौतें भी लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा और ये देखा भी गया है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए या फिर डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो रही है। हार्ट में हुए ब्लड क्लॉट और समय पर लक्षणों की पहचान न होने से हार्ट डिजीजेस कम उम्र में ही हो रही है। पहले देखा जाता है कि लोगों को माइनर अटैक आता था और इसमें मौत होने की आशंका नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में लोग हार्ट की सर्जरी करा लेते थे, लेकिन आजकल अटैक आने पर तुरंत ही मौत हो रही है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अरुण शाह ये बताते हैं कि कोरोना के दौरान लंबे समय तक लोग अपने घरों में रहे और लाइफस्टाइल पूरी तरह से खराब हो गई थी। गतिहीन जीवन शैली ने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी और इनमें सबसे अधिक थी हार्ट डिजीजेस के केस लगातार सामने भी आते जा रहे थे। डॉक्टर शाह ये बताते हैं कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। अगर डाइट में फैट ज़्यादा होगा तो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। आजकल कम उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और लोग समय पर इसकी जांच नहीं कराते हैं। धीरे धीरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है और इससे हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज बनता है और अटैक आ जाता है। लोग समय पर हार्ट की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये लगता है कि हार्ट अटैक अचानक आया, लेकिन ये पुरानी समस्या होती है। कोविड की वजह से हार्ट की जो आर्टरी में हुए ब्लड क्लॉट की वजह से ही हार्ट डिसीजेस बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पर डॉक्टर शाह का कहना है। वहीं डॉक्टर शाह आगे ये बताते हैं कि जीवन शैली, खान पान और नियमित चिकित्सा जांच के बारे में सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। विशेष रूप से डायबिटीज के मरीज, हाइपरटेंशन से पीड़ित लोग और साथ ही साथ जिनको पहले से ही दिल की बीमारी है, ऐसे मरीजों को नियमित रूप से अपने दिल की जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि हार्ट के मामले में इन बातों का भी कई ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना होगा। उसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको पूरी तरह से सक्रिय होना पड़ेगा, व्यायाम करते रहना होगा। इसके अलावा फास्ट फूड से बचने की कोशिश करनी होगी और विटामिन से भरपूर सादा घरेलू भोजन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। नियमित रूप से योगाभ्यास करना होगा और इन कारणों से कहीं ना कहीं हम हार्ट की समस्याओं से बच सकते हैं। हाल फिलहाल में आपने कई हार्ट अटैक के मामले सुने होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का अभिनय कर रहा एक कलाकार अचानक से बेहोश होकर गिर गया और एक कलाकार हनुमान का रूप धारण किए थे और एक डांस करते करते डीजे पे के धुन पे व्यक्ति था वो मर गया था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे हमने कई देखी होंगी। लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए और लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बताया गया कि इस व्यक्ति की हार्ट अटैक आया था और इससे पहले एक कार्यक्रम में डांस करते समय एक युवक भी इसी तरह से बेहोश होकर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। बीते दिनों कई बड़ी हस्तियों का भी निधन दिल की बीमारियों की वजह से ही हुआ है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, सिंगर के और अभिनेता पुनीत राजकुमार की मौत का जो कारण है वो भी हार्ट डिजीजेस ही था। कोविड महामारी के बाद से ही ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनमें स्वस्थ दिख रहे व्यक्तियों को अचानक से अटैक आता है और उनकी तुरंत ही ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। क्या अब हार्ट की बीमारी एक साइलेंट किलर बनती जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है जो व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं दे पा रही है। इंडो यूरोपियन हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर चिन्मय गुप्ता ये बताते हैं कि कोविड के बाद से ही कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस काफी बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से हार्ट की
आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो रहा है, जिससे हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ रहा है। कई मामलों में ये देखा गया है कि लोगों को अचानक से उलझन होती है या सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये एक खतरनाक स्थिति है और इसमें अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की पल्स गिरने लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और इस हालत में अगर 5 से 10 मिनट में इलाज ना मिले तो मौके पर ही मौत हो जा रही है। तस्वीरें भी हमने सोशल मीडिया पे अक्सर देखी और बीते दिनों तो कई तस्वीरें सामने आई थी। डॉक्टर गुप्ता वहीं ये बताते हैं कि लोगों को दिल की बीमारियों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो केस देख रहे हैं उसमें मौके पर ही मौत हो रही है और इनमें अधिकतर मामले सडन कार्डियक अरेस्ट के ही हैं, लेकिन लोग आम भाषा में इसे हार्ट अटैक ही कहते हैं। एक बड़ा अंतर भी है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, और जब शरीर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब होता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसमें अचानक से ही दिल का धड़कना जो है वो बंद हो जाता है। दिल के अचानक काम कर बंद कर देने से दिमाग और फेफड़ों तक ब्लड नहीं पहुंचता है, उनकी सप्लाई नहीं हो पाती है और जिससे अचानक से मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में मौत होने की आशंका हार्ट अटैक की तुलना में काफ़ी ज्यादा मानी जाती है और ये बेहद खतरनाक भी होता है। वही डॉक्टर गुप्ता ये भी बताते हैं कि अधिकतर केसेस में सडन कार्डियक अरेस्ट बिना लक्षण के होता है और स्वस्थ दिख रहे व्यक्ति जो है उसमें भी ये खास तौर से देखा जाता है। चूंकि कोविड की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ और इससे हार्ट के फंक्शन और पर असर पड़ा, और ऐसे में अगर किसी को 20 से 30% ब्लॉक भी है तो उसके लिए कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वो उसके पीड़ित हो सकता है और मौत भी उसकी हो सकती है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हार्ट में 20 से 30% ब्लॉकेज होने में कई बार लक्षण भी पता नहीं चलते और ऐसे में लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। और दूसरी ओर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अरुण शाह ये बताते हैं कि खराब जीवन शैली ने कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा करी हैं। इनमें सबसे अधिक जो है वो हार्ट डिजीज़ के केस हैं और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं, इसको लेकर के डॉक्टर शाह ये भी कहते हैं कि खानपान का सीधा असर हार्ट पर पड़ता है। डाइट में ज़्यादा फैट और जंक फूड की वजह से कम उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, धीरे धीरे शरीर में ये बढ़ता है, इसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और इससे हार्ट की आर्टिलरी में ब्लॉकेज बनता है और लोगों को अटैक आ जाता है। कई बार हमें ये लगता है कि अटैक अचानक से आया, लेकिन ये पुरानी समस्या होती है जो धीरे धीरे शरीर में पनपती है और अचानक घातक रूप भी ले लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।